अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट जो मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किया था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब परसों आप सबका जो है टेस्ट है लॉग एट का, तो मॉक टेस्ट से एटलीस्ट आपको ये पता चल सकता है कि आपने जो टेस्ट फिज़िकल स्टूडेंट्स ने जो मुझे टेस्ट दिया था या ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने टेस्ट दिया था, तो उनके कितने मार्क्स थे और कौन से क्वेश्चन जो है वो करेक्ट थे, कौन से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग थे। अंडरस्टैंड? तो आज जो है हम इस टेस्ट को कवर करने की, इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है लीडिंग क्वेश्चंस में से, वो आता है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, PLD 1955 FC 240, जो कि इसका केस नंबर है। रिट पिटीशन वाज फाइल्ड अंडर द नेचर ऑफ, यानी कि इसके सवाल का मतलब ये है कि जो रिट पिटीशन दायर की थी वो रिट पिटीशन किस चीज़ के लिए की थी। तो इसका जो आंसर है वो बोथ बी एंड सी है। किस तरीके से? मैंडामस के लिए भी की और को वारंटो के लिए भी रिट पिटीशन दायर की। सेकंड सवाल कौन सा आता है? सेकंड सवाल आ जाता है आपका मिस असमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139 केस। चैलेंज्ड द डिटेंशन वाज अंडर मार्शल लॉ रेगुलेटेड नंबर। अब यह क्या पूछ रहा है, ये मार्शल लॉ का रेगुलेटेड नंबर क्या था? अब जो इसका मार्शल लॉ का रेगुलेटेड नंबर था वो क्या था, वो आ जाता है आपका इसका आंसर 78। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ अंडर आर्टिकल 58(2)(b). आर्टिकल 58(2)(b) जो है ये ऐसा आर्टिकल है जो कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एड किया गया, फिर रिमूव किया गया, फिर एड किया गया, फिर रिमूव किया गया अपने पावर्स को यूटिलाइज करने के लिए। खैर, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नॉट एक्सेप्टेड एंड वाज डिक्लेयर्ड डैश इन केस ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये बताएं कि ये जो है आर्टिकल 58(2)(b) कॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या वैलिड था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि बाद में इस आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। एज पर द केस जफर अली शाह वर्सेस अदर्स, जफर अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869, परवेज मुशर्रफ टुक डेश स्टेप्स एंड प्रोक्लेम्ड एमरजेंसी ए चीफ एग्जीक्यूटिव। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या है कि इसने जो स्टेप्स लिए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, लेजिटिमेट थे या अप्रोप्रिएट थे या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे? डेफिनेटली बात है, आपने वर्ड लेजिटिमेट, अप्रोप्रिएट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या लीडिंग केसेस के अंदर। तो इसका आंसर कॉमन सेंस पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका आंसर है। अब यहाँ पर आप देखें कि 8 अगर केसेस हैं, 8 लीडिंग केसेस हैं, तो 8 लीडिंग केसेस में से वो क्या करता है कि हर बार की तरह किसी भी 5 लीडिंग केसेस से एक एक सवाल दे देता है, जो कि जनरल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है, बाकी 4 सवाल हमेशा की तरह ईजी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? इन केस ऑफ खान असफन वली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बेंच वाज डेश, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन था? इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या था? जस्टिस इरशाद हसन शाह। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इस पर आर्टिकल 19A। अब आर्टिकल 19A हमेशा की तरह आपको पता होगा कि आर्टिकल 19A किस चीज़ के बारे में है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है, पार्टिसिपेशन है, पब्लिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो इसके अंदर क्या इसका आंसर है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद एज पर आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द स्टेट शल डिस्करेज डेज फिर ट्राइबल सेक्रेटेरियन प्रोविंशियल प्रेजुडाइस अमंग द सिटीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि पेरोचियल एंड रेशियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मिनिमम एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। अब मिनिमम एज कितनी है? मिनिमम एज ऑफ द नेशनल असेंबली क्या है? 25 ईयर्स। ठीक है, और जस्टिस बनने के लिए एज कितनी है? मिनिमम 45 ईयर्स। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 45 ईयर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एज पर आर्टिकल 53(2) यानी कि कहीं से भी किसी भी क्लास में से एक क्लास उठाकर दे सकता है और वो पूछ सकता है कि इस क्लास में कौन सा वर्ड मिसिंग है। एक किस्म का फिल इन द ब्लैंक्स का भी ये जो है पेपर, आप कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स पेपर। ठीक है, तो सारे के सारे सवाल ऐसे भी नहीं होते, बल्कि कुछ क्वेश्चंस इसमें कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट से कॉपी पेस्ट भी किए जाते हैं। आर्टिकल 53 सब क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 बिफोर रिटायरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर डिप्टी स्पीकर शल मेक बिफोर द नेशनल असेंबली ओथ फॉर्म सेट आउट इन विच शेड्यूल। तो देखें, जब भी ओथ की बात की जाएगी तो ओथ कहाँ पर लिया जाएगा, सारे के सारे ओथ जो हैं वो 3rd शेड्यूल के अंदर हैं। जहाँ भी कहीं से भी अगर वो आपसे पूछता है प्रेसिडेंट का ओथ, प्राइम मिनिस्टर का ओथ, गवर्नर का ओथ, ठीक है, किसी का भी ओथ का जिक्र अगर वो करता है तो उसका आंसर कहाँ पर मैंशनड है, उसका आंसर आपको मिलेगा 3rd शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आर्टिकल 58 सब क्लास 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 द प्रेसिडेंट शल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली फ्रॉम एडवाइज्ड बाय डेश ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 58 सब क्लास 1 के तहत जो आपका प्रेसिडेंट है, क्या है, प्रेसिडेंट जब भी डिसॉल्व करेगा नेशनल असेंबली को तो वो किसके कहने पर करेगा, वो करेगा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। बिकॉज द प्रेसिडेंट क्या है, सर्मोनियल हेड ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट सिर्फ जो है स्पीचेस करता है, प्रेसिडेंट जब भी कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करता है, खुद से कभी भी कुछ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल आ जाता है वो नेक्स्ट सवाल क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ लेता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 11 एज पर आर्टिकल 63A सब क्लास 6, अब 63A फिर सब क्लास 6 पूछ रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द डिफेक्टिव क्लास शल नॉट अप्लाई टू द, कि जो डिफेक्टिव क्लास है वो किस पर अप्लाई नहीं होगा, वो चेयरमैन स्पीकर ऑफ द हाउस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए या डी में से कोई सही है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक सही लग रहा है तो आप कुछ ज़्यादा जो सही लग रहा है उस पर आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, के मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मनी बिल हमेशा नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ना सेनेट में ना फेडरल कैबिनेट में। फिर आ जाता है एस पर आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट एंड एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ओथ ऑफ द फॉर्म सेट आउट इन द, फिर वही बात आ गई, ओथ की बात आ गई, तो ओथ की बात कहाँ बता रहा था मैं, 3rd शेड्यूल के अंदर है। फिर उसके बाद आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जी इस पर आर्टिकल 186 एज पर आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डेज विच ही कंसिडर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि जहाँ भी क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की जाएगी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर ज़रूरत है तो वो इस पर जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 15 क्वेश्चन क्या है, एज पर आर्टिकल 198 सब क्लास 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ईच ऑफ द हाई कोर्ट मे हैव बेंचेस एट सच अदर प्लेसेस एज द गवर्नर मे डिटरमाइन ऑन द एडवाइस डेश एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट अपनी कैबिनेट बना सकती है लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ही बनाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कैबिनेट, एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब आते हैं किसकी तरफ, इंटरनेशनल लॉ की तरफ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एज पर आर्टिकल 9 सब क्लास 1 सब क्लास 2 यूनाइटेड नेशन चार्टर द जनरल असेंबली शल कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर यूनाइटेड नेशन ईच मेंबर शल हैव नॉट मोर देन डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के लिए जो कौन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 5 रिप्रेजेंटेटिव। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर अंडर रूल 83 ऑफ द रूल प्रोसीजर डैश कंट्रीज आर चूजन फॉर अफ्रीका
फ्रॉम अफ्रीका एंड एशियन स्टेट्स, ठीक है। तो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने लिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इस बारे में पूछ रहा है। तो 6 मेंबर्स लिए जाते हैं अफ्रीका से और एशियन स्टेट्स से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शन फ्रॉम पीस प्लेस इन द हेग नीदरलैंड। तो क्या है यूएनओ फंक्शंस जो है वो किधर है, कौन सा फंक्शन पीस प्लेस का हेग के अंदर, अभी इसने खुद ही बता दिया हेग के अंदर है, हेग और हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल दे दे और वो पूछे कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हेग इसका राइट आंसर। उसके बाद कहता है कि एज पर आर्टिकल 60 ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ द ICJ द जजमेंट इज डैश एंड विदाउट अपील इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट एज टू द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द जजमेंट द कोर्ट शल कंस्टिट्यूट इट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो जजमेंट होगी वो फाइनल होगी, डिक्लेरेटरी होगी, एडवाइजरी होगी, रिकमेंडेटरी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपील तो आप कर ही नहीं सकते, जिस पर आप अपील नहीं कर सकते तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है आपका फाइनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एज पर आर्टिकल 38 सब क्लास 1 ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ द ICJ रिकॉग्नाइज देश एज द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को कौन सा रिकॉग्नाइज करेगा इसमें से, तो कस्टमरी लॉ है या फिर जो है जनरल प्रिंसिपल सिविलाइज नेशन है, इसका आंसर है कन्वेंशंस और ट्रीटीज, इसका नाम आपने अक्सर सुन लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या कहता है, इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, पहला सवाल अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज लॉ डैश। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका क्या आंसर है कि जो जॉन ऑस्टिन इसकी नज़र में ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, पॉजिटिव लॉ है, नेगेटिव लॉ है या बोथ है एंड बी। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने सुना होगा लेकिन ये वर्ड आपने कहीं नहीं सुना होगा, और अगर आप लास्ट लेक्चर ग्रुप में जो मैंने शेयर किया था वो अगर आप एक बार भी सुन लेंगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव लॉ का। थकी गया था ना रोकेश रमास, थकी गया था रोकेश रमास। अच्छा अरे, तो ज्यूरिसप्रूडेंस, इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू जॉन सेलमन, जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज लॉ, कौन सा लॉ, पॉजिटिव लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव ये नेगेटिव और मेटा फिजिकल वर्ड आपने नहीं सुना होगा, कौन सा, पॉजिटिव और मेटाफिजिकल वर्ड। उसके बाद एज पर सर जॉन सेलमंड द रीजंस ऑफ एट्रीब्यूटिंग द कस्टम्स द फोर्स ऑफ लॉ इन द फर्स्ट प्लेस कस्टम इज द कंबोनेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स विच हैव कमेंडेड दमसेल्व टू द नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज एज पर फॉलोइंग। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मिथ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट का सवाल है और एक्सेप्ट का सवाल इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 क्वेश्चंस वो यहाँ से करे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस बार ज्यूरिसप्रूडेंस बाय सर जॉन सेलमन जस्टिस बिकम्स इंक्रीजिंगली जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ द कोर्ट ऑफ जस्टिस बिकमिंग इंक्रीजिंगली कोर्ट ऑफ डैश। अब जहाँ पर इंक्रीजिंगली जस्टिस हो गया तो जस्टिस तो इसका आंसर नहीं होगा, इक्विटी भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉ, ठीक है। एज पर सर जॉन सेलमन ए डैश देयरफॉर मे बी डिफाइंड एज वन इन विच टू और मोर डेप्टर्स ओ द सेम थिंग टू द सेम क्रेडिटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉलिटरी ऑब्लिगेशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इस पर जुरिसप्रूडेंस बाय सर जॉन सेलमन, द लॉ ऑफ टोर्ट इज़ द लॉ ऑफ सिविल इंजरीज अदर देन ब्रीचेज ऑफ डेश। तो ब्रीचेज ऑफ कौन से, ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आपने अक्सर सुन लिया होगा, ना कि आपने कभी क्रिमिनल लॉ का ब्रीचेज का सुना होगा, ना ही नेचुरल लॉ का, ठीक है। अब आते हैं किसकी तरफ, इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस की तरफ। और इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस क्या है, इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस को अगर हम डिस्कस करते चलें तो इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस को ज़रा आप ओपन करें, कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस, इस्लामिक बाय प्रोफेसर इमरान एहसन खान न्याजी, फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ हुकुम शरई एक्सेप्ट द एक्ट द लॉ गिवर द सब्जेक्ट। ये तीनों के तीनों हुक्म शरई का हिस्सा हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक्सेप्ट का सवाल आ गया। उसके बाद एज पर इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस द इमरान एहसन खान न्याजी, अकॉर्डिंग टू जूरिस्ट द रीज़न वाई अ वुमेन कैन नॉट बिकम अ काजी और जज इन लिंक्ड टू द क्वेश्चन ऑफ डेश, इन लिंक्ड टू द क्वेश्चन ऑफ जेंडर है, फैक्ट है, एविडेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, लॉ आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ें, एज पर इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस इमरान एहसन खान न्याजी, डेश इज़ डिफाइंड एज अ डिमांड बाय द लॉ गिवर और कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट मेकिंग इट बाइंडिंग एंड विदाउट असाइनिंग एनी ब्लेम टू द ओमिशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है वाजिब, ठीक है। जब कोई चीज़ आपके ऊपर वाजिब हो जाए तो उसकी डेफिनेशन इसने पूरी की पूरी बता दी कि वाजिब की डेफिनेशन क्या है, सही है। टाइम इतना नहीं है कि मैं आप इसी को, इस डेफिनेशन को भी इंटरप्रिटेट करूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इस पर इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, द हुक्म शरई रूल हैज़ डैश एलिमेंट्स विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू गिव राइज टू लाइबिलिटी एंड अदर ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ। कितने एलिमेंट्स पता पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर 3 आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इस पर इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ इज मोस्टली रेशनल, द रेशनल सोर्स आर डैश ऑफ द लीगल रीजनिंग डेट द मुजतहिब एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इज्तिहाद। सोर्सेज क्या हैं, बेसिक हैं, फाउंडेशन हैं, प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर टेक्निक्स आ जाता है। अब आते हैं 20 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके आपको बेसब्री से था इंतज़ार, CPC, वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं, वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड विद इन जुरिसडिक्शन इन डिफरेंट कोर्ट्स द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, कहाँ सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट हैविंग लार्जर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एनी कोर्ट हैविंग एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है एनी कोर्ट हैविंग एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हिस्सा है। उसके बाद इन ऑर्डर टू असर्टेन इंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट हैविंग अनसर्टेन जुरिसडिक्शन डेश इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ CPC, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ CPC के तहत। तो क्वेश्चन 32 ये पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इफेक्ट बाय ट्रायल कोर्ट, ये इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। या फिर जो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ अपीलेट कोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट वाला आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, एज पर सेक्शन 47 सब क्लास 2 द CPC द कोर्ट में सब्जेक्ट टू डेश, सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू एनी है, अच्छा एनी के सवाल भी लास्ट टाइम बड़े ही आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, एनी। अगर आपने लीगल वर्डिंग पढ़ी होगी, समझी होगी, तो आप इसको जवाब दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एज पर CPC सेक्शन 96 सब क्लास 2 द अपील में लाए फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी है विद कंसेंट ऑफ पार्टीज़ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो क्या आ जाता है, एक्स पार्टी। उसके बाद अंडर CPC नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन डेश बी इंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर 115 सब क्लास 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पर ये बताएं, मे आएगा, शल आएगा, क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, शल बी इंटरटेन्ड। उसके बाद सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द CPC का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का सवाल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का, तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्या कह रहा है, कोड डेश बी डीम्ड टू लिमिट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 104 से भी सवाल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37, एन अपील देश लाए, एन अपील क्या है, शल लाए फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 104 पास्ट 35। अब ये जो सेक्शन है ये भी आपने याद रखने हैं कि अक्सर हो सकता है कि आपको इन सेक्शन का रेफरेंस भी पूछ ले। इसका आंसर शल है, यानी शल में और जो है एनी के सवाल भी आएंगे इस बार, एक एक सवाल दो दो सवाल आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर की तरह जो है इस बार कोई आपसे 17-20 सवाल ये पूछ ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है, एज पर सेक्शन 96 सब क्लास 3 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नो अपील शल लाए फ्रॉम द डिग्री पास्ट देश विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। देखिए कंसेंट और कंप्रोमाइज डिग्री के खिलाफ कभी भी अपील लाए नहीं करती। यहाँ पर कंसेंट ऑफ पार्टीज भी आ सकता है, कंसेंट डिग्री भी आ सकता है, कंप्रोमाइज डिग्री भी आ सकता है। अब ये सवाल बड़ा हमेशा पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। एज पर सेक्शन 75 CPC सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट मे इशू कमीशन ऑफ ऑल देश एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट आ गया, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है, इशू डिक्री, सही है। उसके बाद सेक्शन 47 से दोबारा सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अब वो क्या पूछ रहा है, एज पर सेक्शन 47 CPC ऑल क्वेश्चंस रेजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ, अच्छा ये तीनों वर्ड्स भी आपने याद रखने हैं, सही है, ऑफ द डिक्री शल बी डिटरमाइंड बाय देश। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, क्यों, क्योंकि सेक्शन 47 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 बात करता है कि ऑर्डर 1 रूल 5 इट देश बी नेसेसरी, इट शल बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शल बी इंटरेस्टेड टू ऑल एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, एवरी प्लीडिंग शल कंटेंड देश। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है कि मटेरियल फैक्ट्स, एविडेंस भी नहीं, एविडेंस कहाँ, एविडेंस अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन मटेरियल फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग 616 की एप्लीकेशन डील्स विथ अमेंड विच द पार्टी डिजायर्स इन द अपोनेंट प्लीडिंग, जब अपोनेंट पार्टी में आप चाहते हैं कि वो जो है अपनी डिग्री को क्या करे, अपनी प्लीडिंग को अमेंड करे, तो फिर आप 616 की एप्लीकेशन देते हैं, अपने लिए क्या करते हैं 617 की एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है बात करता है द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्टक आउट एंड अमेंड एनी मैटर प्लीडिंग विच मे बी अननेसेसरी सेकंडेरियस इन विच मे टेंड प्रेजुडाइज एम्बेरस और डिले देश ऑफ द सूट फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, ना ही डिसीजन ना इंस्टीट्यूशन ना प्रोसीडिंग, सही है। फिर उसके बाद आता है एज पर ऑर्डर 7 रूल 11। अब ऑर्डर 7 रूल 11 तो आपने हो सकता है पढ़ा ही ना हो, रूल 10 ही पढ़ाओ, ठीक है। 7-11 भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूल है। एज पर ऑर्डर 7 रूल 11 क्वेश्चन नंबर 45 जी ठीक है, वेयर इट डज नॉट डेज द कॉल ऑफ एक्शन क्रिएट, ये दो वर्ड्स भी नए हैं आपके लिए, तो इसका आंसर क्या है, डिस्क्लोज द कॉल ऑफ एक्शन। 46 क्या कहता है, एज पर ऑर्डर 7 रूल 22 CPC वेयर अ पार्टी इज नॉट फाउंड एट द एड्रेस गिवन, मतलब जिस एड्रेस पे वो मिलती नहीं है, तो फिर और डैश मेंबर, अब इसका आंसर क्या है, एनी मेंबर है, एडल्ट मेंबर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, एनी नहीं होगा ना ही मेल होगा। उसके बाद एज पर ऑर्डर 8 रूल 10 CPC वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम रिटर्न स्टेटमेंट सो फॉर रिक्वायर्ड फेल्स टू प्रेजेंट द सेम विद इन द टाइम फिक्स्ड, ठीक है, प्रोनाउंस जजमेंट देश टू मेक सच ऑर्डर रिलेशन ऑफ द सूट, ठीक है, जजमेंट अगेंस्ट हिम। उसके बाद एज पर ऑर्डर 9 रूल 6 CPC वेयर इट ओइंग टू द प्रेंटिस डिफॉल्ट दैट द समन्स वर वॉज नॉट डैश ड्यूली सर्व्ड, इसका आंसर क्या है, ड्यूली सर्व्ड। उसके बाद एज पर ऑर्डर 39 रूल 4 एनी ऑर्डर फॉर डैश मे बी डिस्चार्ज वेरीड सेट असाइड, तो ऑर्डर 39 किस चीज़ की बात करता है, इंजंक्शंस की बात करता है। ऑर्डर 41 है वो अपील की बात करता है, तो यहाँ पर अपील के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एडमिटेड द अपीलेट कोर्ट, क्या है, द अपीलेट कोर्ट और प्रॉपर ऑफिसर,
ठीक है, ये आपके हो गए 50 क्वेश्चंस पूरे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं जो है आपके पाकिस्तान पेनल कोड की तरफ।